आया बसंत रे छाया बसंत, आया बसंत रे छाया बसंत, पीली पीली सरसों फूली, पीली पीली सरसों फूली, अम्बुआ की डाली पे कोयल बोली, अम्बुआ की डाली पे कोयल बोली, कू कू आया बसंत रे छाया बसंत, आया बसंत रे छाया बसंत, पीले पीले कपड़े मिस ने पहने, पीले पीले कपड़े बच्चों ने पहने, पीले पीले चावल नानी ने बनाए, पीले पीले चावल नानी ने बनाए, सबने मिलकर चावल है खाए, आया बसंत रे छाया बसंत, आया बसंत रे छाया बसंत। हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? यस, यू गेस्ट इट राइट। जरा इधर आइए, मेरे बोर्ड को देखिए। ये देखिए कितना सुंदर बोर्ड। आज पम्मी मैम ने अपने बोर्ड को किनसे सजाया? ये ऊपर की लाइन में है विद्या की देवी सरस्वती, जिन्हें हम माँ शारदे वीणा वादिनी भारती भी कहते हैं। और ये क्या है भाई, सुंदर सुंदर फूल, मैरीगोल्ड का फ्लावर, रोज फ्लावर और लोटस फ्लावर, ओहो डेलिया, और ये हिबिस्कस, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स। अरे आज हम मना रहे हैं ऋतुओं का राजा बसंत, उसका फेस्टिवल जिसे कहते हैं स्प्रिंग सीजन और बसंत पंचमी भी। अब बसंत का मतलब क्या होता है? बसंत का मतलब होता है स्प्रिंग और पंचमी, पंचमी मींस पांच। ये फेस्टिवल माघ मंथ की शुक्ल पंचमी के फिफ्थ डे मनाया जाता है, इसीलिए तो बसंत पंचमी भी कहते हैं। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं, ऋषि पंचमी भी कहते हैं। स्प्रिंग गिव्स द प्रॉमिस दैट एवरीथिंग कैन बिगिन अगेन, हर चीज नई हो जाती है भाई। इट सिंबलाइजेस रीबर्थ, रिन्यूअल, होप, न्यू बिगिनिंग, जॉय, लव, यूथ एंड ग्रोथ। और इन दिनों तो सारे गार्डन्स जो है वो फूलों से महकने लग पड़ते हैं, इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल तितलियां आ जाती हैं, भंवरे मंडराने लग पड़ते हैं ना। नेचर इज एट इट बेस्ट। और आमों के पेड़ों के ऊपर बौर आ जाते हैं, बौर होता है छोटी छोटी कलियां जो बाद में बंद होकर क्या बन जाएंगे, मैंगोस। और अभी मैंने गाने में बताया कि उसके ऊपर कोयल बोलेगी कू कू, और फार्मर्स के लिए कितनी खुशी की बात है कि सारी तरह जो क्रॉप्स है ना, क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप, वीट की क्रॉप, गेहूं, जौ, बार्ले और मस्टर्ड, जिसके फ्लावर्स मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, सरसों के, सारे जो सरसों के खेत है वो पीले रंग के होते हैं, पीली पीली सब तरफ छटा बिखर जाती है, इसीलिए तो इस कलर के साथ इसको मनाती है, येलो कलर के साथ, ठीक है। इस बार ये फेस्टिवल फरवरी में आ रहा है और कभी कभी तो जनवरी एंड में भी आता है। और कुछ लोग कहते हैं आया बसंत पाला उड़न, आया बसंत पाला उड़न, इसका मतलब कि ये विंटर सीजन के बाद आने वाला ये जो स्प्रिंग सीजन है, इसके बाद धीरे धीरे सर्दी खत्म हो जाएगी।
इस दिन लोग अपने घरों में पीले चावल बनाते हैं और पीले लड्डू खाते हैं, पेड़े खाते हैं और केसर की खीर भी बनती है। इतनी बातें हो गई तो चलो एक मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए एक बसंत ऋतु का गाना करें। चलो देखो आई बसंत ऋतु आई रे, देखो आई बसंत ऋतु आई रे, फिर से महक उठी अमराई रे, फिर से महक उठी अमराई रे। अमराई होता है आमों का बाग, सरसों के खेतों में फूल लहराई, सरसों के खेतों में फूल लहराई। ये जो सरसों के फूल है मस्टर्ड, मैंने यू है अपने किचन गार्डन में से लिए हैं। सरसों के फूलों में फूल महराई, सरसों के खेतों में फूल लहराई, नीली पीली तितलियां झूमे नाच गाए, नीली पीली तितलियां झूमे नाच गाए। देखो खेतों से मटर तोड़ लाई रे, देखो खेतों से मटर तोड़ लाई रे, फिर से महक उठी अमराई रे। देखो आई बसंत ऋतु आई रे, फिर से महक उठी अमराई रे। सबसे पहले पमी मैम आपको बसंत पंचमी को मनाने के पीछे जो रिलीजियस धारणा है उसके बारे में बताती है। तो अभी कुछ दिनों बाद एक फेस्टिवल आएगा, होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, और ब्रज में होली इतनी धूमधाम से मनाई जाती है। और पता है ब्रज में बसंत पंचमी वाले दिन ही ठाकुर जी को अबीर और गुलाल की रंगोली लगाते थे और इस दिन से होली का त्योहार शुरू हो जाता है। और मथुरा जो एक रिलीजियस जगह है वहां पर एक मंदिर है दुर्वासा ऋषि जी का, और उस मंदिर में मेला लगता है। उसको गेंदे के फूलों के साथ, टेसू के फूलों के साथ सुंदर सुंदर सजाया जाता है। और बांके बिहारी जी के जो मंदिर है ना उसका एक कक्ष है बसंती कक्ष, और उसको आज के दिन यानी बसंत पंचमी वाले दिन जो है उसका दरवाजा खुलता है, उससे लोग दर्शन करते हैं और लाखों के लोग दर्शन करते हैं और मेला होता है, खूब मजे आते हैं। और कई सिटीज में इस दिन काइट फ्लाइंग होती है जैसे मकर संक्रांति पे होती थी ना। हाँ तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप फूलों की रंगोली बना सकते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर फूलों में कलर कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं और छोटी छोटी पोएम्स याद कर सकते हैं, बसंत पंचमी पर कुछ लिख सकते हैं। तो ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज, मिस इज शोइंग यू अ फोटो। ओपन योर आईज, ये कौन है? सरस्वती देवी जी, विद्या की, ज्ञान की, वाणी की, कला, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, सात सुरों के देवी, सुरों की सात सुरों की देवी सरस्वती, माता सरस्वती, इन्हें हम कई नामों से जानते हैं। आप देखेंगे इनके हाथ में ये क्या है भाई, वीणा। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक हाथ में इनके किताब है, ग्रंथ है, और एक हाथ में माला। और ये किसके ऊपर बैठी हुई है, हंस के ऊपर, इसलिए इन्हें हंस वाहिनी भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, कला निधि सुरेश्वरी भी कहते हैं। तो मिस इनकी आराधना में दो लाइन बोले, ठीक है? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से
हमें तार दीमा वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। अब मैं ये बता रही है कि बसंत पंचमी वाले दिन इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये प्रकट हुई थी, तो ये बात तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहती हूँ। तो पुराणों में इस घटना का जिक्र है कि ब्रह्मा जी ने इस पूरी धरती का क्या किया, निर्माण किया, और सब तरफ जीव जंतु एनिमल्स बर्ड्स और हम ह्यूमन बीइंग्स पैदा हो गए। बट देयर वाज नो साउंड, कोई आवाज ही नहीं थी, कोई नाद ही नहीं था, वाणी ही नहीं थी। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा, ये जो धरती है, ये जो सृष्टि है, ये कितनी मूक है, सब तरफ शांति है। और उन्होंने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल लिया, पानी लिया और धरती पर स्प्रेड कर दिया। और फिर पता है क्या हुआ, और प्रकट हुई सफेद साड़ी में वीणा वादिनी, हंस पर बैठकर ये माता सरस्वती। और जैसे इन्होंने वीणा बजाई, सब तरफ स्वर आ गए, सात सुर जो मैंने अभी बताए, सारी गामा पाधानी सा। और मनुष्यों ने पहली बार वाणी सुनी, बोलना सुना, अक्षर का ज्ञान। इसीलिए बसंत पंचमी वाले दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराते हैं। और एक बार श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजा रहे थे, तो सरस्वती जी उनकी बांसुरी में आ गई। तो कृष्ण जी इतने खुश हुए, उन्होंने सरस्वती जी को बोला कि बसंत पंचमी पर इस धरती के सारे लोग आपकी पूजा करेंगे। बसंत पंचमी वाले दिन स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, पेंटर और जितने भी कलाकार हैं और आम लोग भी सरस्वती जी की आराधना करते हैं, उन्हें पीले चावल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उनके लिए मंगल गीत गाते हैं। तो आप भी इस दिन अपनी पूजा कर सकते हैं। तो ये जो माता शारदे हैं, इनको प्रॉमिस करो कि अब हम बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, एजुकेशन में अपना ध्यान रखेंगे, और आज के दिन तो किताब की, कलम की और ब्रश की पूजा भी होती है भाई। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो मिस का बसंत पंचमी का ये लेसन लंबा हो गया है, आप थोड़ा थोड़ा कर कर देखें और जानें कि पमी मैम ने इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस बताई है। तो मिस अपने एंड में कुछ दो लाइनों का एक और सॉन्ग कराती है, आयो आयो रे बसंत सुनो राधा प्यारी, आयो आयो रे बसंत सुनो राधा प्यारी, देखो बाहर लगे अति प्यारी, देखो बाहर लगे अति प्यारी, आयो आयो रे बसंत सुनो राधा प्यारी, आयो आयो रे बसंत सुनो राधा प्यारी, फूली गुलाब फूली चंपा जूही, ये देखें ये सारे फूल खिलते हैं, फूली गुलाब फूली चंपा जूही, अबीर गुलाल संग खेलो होली, अबीर गुलाल संग खेलो होली, केसर से रंग दी सारी किशोरी, केसर के रंग में रंग दी किशोरी, आयो आयो रे, आयो आयो रे बसंत सुनो राधा प्यारी। आई विश एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी बसंत पंचमी, एंजॉय अ लॉट, सी यू सून, बाय बाय।